बदलने वाला है पूरे यूरोप का नक्शा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में मच जाएगा, हड़कंप राजनीतिक गलियारों में होने वाला है, बहुत बड़ा उलटफेर। पूरी दुनिया अमेरिका के चुनाव पर नजर टिकाकर रखी है कि आखिरकार अमेरिकी चुनाव में कौन जीतने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप या जो बिडेन। लेकिन कुछ समय से जो बिडेन के पार्टी में उपस्थित भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को कांटे की टक्कर देने वाली है, वह कैसे जानेंगे। पूरी खबर तो कृपया करके वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, 2024 हमेशा याद रखा जाएगा राजनीति के इतिहास में, क्योंकि यह साल ना दुनिया के बड़े बड़े राजनेताओं और उनकी पॉलिटिकल पार्टियों का कब्रगाह बनता जा रहा है। बड़े बड़े राजनेता बुरी तरीके से धराशायी हो रहे हैं, हर एक देश में यही हाल है, क्योंकि जितने राजनीतिक उलटफेर इस साल में हो चुके हैं ना, पिछले 6 महीनों में ही सिर्फ उतने पिछले 20 सालों में भी देखने को नहीं मिले। लेकिन पिछले 6 महीनों में आपने जो देखा है ना, वह तो कुछ भी नहीं अमेरिका में जो होने जा रहा है। अब वह इन सारे इवेंट्स का बाप आप कह सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ 20 दिन पहले, जी हां, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 3 हफ्ते पहले स्थिति ये थी कि जितने भी सट्टा बाजार थे, अमेरिका के जितने भी ओपिनियन और एग्जिट पोल थे, इसके अलावा अमेरिका के तमाम न्यूज एजेंसियां, यहां तक कि वो भी जो डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर विरोधी मानी जाती हैं, सब एक सुर में कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। यहां तक कि उनकी अप्रूवल रेटिंग इसी पर को भी टच कर गई थी। जी हां, यानी कि अगर 10 लोगों से पूछा जाए कि आप किसे वोट देंगे तो 10 में से 7 से लेकर 8 कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को, और सिर्फ 2 कह रहे थे कि हम उनके खिलाफ वोट देंगे। इतना प्रचंड बहुमत की तरफ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ रहे थे, और उसके ऊपर सोने पर सुहागा यह हो गया कि जो उनके विरोधी थे, जो बाइडर, जो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कुछ ही हफ्ते पहले ऐलान कर दिया कि वह डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इससे भी डबल सोने पर सुहागा तब हो गया जब उनके ऊपर हुआ हमला, जिसमें वह बाल बाल तो बच गए, लेकिन उन्हें मिलने लगी जनता की सिंपैथी कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की जा रही है, और इससे उनके प्रति एक लहर क्रिएट हो गई पूरे अमेरिका में। यानी कि देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्टेज सेट था, उन्हें बस यह कहा जा रहा था कि आधिकारिक चुनाव लड़ना है, फिर उनकी घोषणा हो जाएगी और बस शपथ लेनी है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि यह साल 2024 है, इसमें बड़ों बड़ों की हवा गायब हो चुकी है और बड़े बड़े तूफान थम गए हैं। आकर ठीक वैसा ही अब अमेरिका में होता दिख रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यह लेटेस्ट ट्रेंड है जो अमेरिका से निकलकर सामने आया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब से 15-20 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 70-80 पर थी, अब वो गिरते गिरते 50s पर आ गई है। और स्थिति यह है कि अगर आज चुनाव होता है तो नेक टू नेक फाइट होगी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। इतना ही नहीं, जो अमेरिका की टॉप बैटिंग साइट है ना, यानी कि जहां पर सट्टा लगता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये सबसे ज्यादा सही अंदाज लगाती है। हमेशा से ही अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इस साइट में पिछले, अगर मैं 3 दिनों का आपको डाटा बताऊं तो आप हैरान रह जाओगे। अब से 3 दिन पहले कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने के चांस 51% तक बताए गए थे, फिर कल घटकर वह 50-50 हो गया, और आज वह 39 पर है। यानी कि कांटे का मुकाबला जबरदस्त तरीके से है। और एक बात आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना जो लगभग तय लग रहा था, अब डोनाल्ड ट्रंप भयंकर कड़े मुकाबले में फंस चुके हैं। अमेरिका के हर एक राज्य में जबरदस्त लड़ाई है दोनों नेताओं के बीच में। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार, ऐसे 20-21 दिन में हुआ क्या कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकलती दिख रही है? जो डोनाल्ड ट्रंप लगभग तय था राष्ट्रपति बनना, अब पूरी तरीके से कड़े मुकाबले में फंस चुके हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई गलती करी या फिर कमला हैरिस ने कोई अच्छा काम किया? तो देखिए, इसमें दोनों ही केस हुए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने गलती ये करी है कि पिछले 20 दिनों में जो कैंपेन था उसमें कहीं ना कहीं हेट बहुत ज्यादा आ गया, कट्टरवाद को उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे कि जो वहां पर इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, जैसे कि भारतीय लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इसके अलावा पूरे एशिया के लोग हैं, और इतना ही नहीं, जो वहां पर ब्लैक पॉपुलेशन है जिनकी संख्या करीबन 1415 पर है, उनमें डर बैठ गया है डोनाल्ड ट्रंप का।
लिटरली ऐसे ऐसे बयान दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो कि उन्हें नहीं देने चाहिए थे। और इसका मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। दरअसल अब से एक महीना पहले तक जो वहां पर भारतीय पॉपुलेशन थी वह काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कमला हैरिस के उम्मीदवार बनने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्हें लगा कि जो ब्लैक पॉपुलेशन है वह अब कमला हैरिस को ज्यादा वोट देंगी, उसे दूर करना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कमला हैरिस के इंडियन होने को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये कहा कि कमला हैरिस तो भारतीय मूल की हैं, ना कि वह अफ्रीकन मूल की। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान देखकर जो एशियन मूल के लोग हैं उन्हें लगा कि यार डोनाल्ड ट्रंप हमें टारगेट कर रहे हैं। और आपको बता दूं, एशियन मूल के लोग बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में है। अमेरिका के अंदर करीबन 7% आबादी एशियंस हैं। ऐसे में भारतीय होना टारगेट करके डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे एशिया को टारगेट किया, जिससे कि एशियन पॉपुलेशन नाराज है उनसे बहुत ज्यादा। वहीं जो बयान उन्होंने ब्लैक लोगों को मनाने के लिए दिया वो भी मिसफायर हो गया। अब जो वहां की ब्लैक आबादी है वह कमला हैरिस को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रही है, यानी कि ओवरऑल 222 पर जो आबादी है उसे अपने खिलाफ कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक गलत कैंपेन करके वहीं दूसरा खेल किया है, उनके विरोधी पार्टी यानी कि कमला हैरिस की। और जो बाइड की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक ने, दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के आज की तारीख में सबसे ताकतवर नेता हैं बराक ओबामा। भले ही वो राष्ट्रपति ना रहे हो, पूर्व राष्ट्रपति हो, लेकिन आज भी उनका दबदबा है और वह जो राजनीतिक खेल रचते हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप फंसे हैं। उन्होंने एन वक्त पर जो बाइड को उम्मीदवारी से हटवाया और कमला हैरिस को उनकी जगह आगे बढ़ाया, जिससे कि पूरी जो पार्टी का काडर था उसमें में फिर से जोश आया और उन्होंने जोर शोर से फिर से प्रचार करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो बाइडर क्या थे कि हर दूसरे दिन कोई ऐसी हरकत करते थे जिससे कि पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ता था। कमला हैरिस के केस में वह नहीं है। इसके अलावा कमला हैरिस को पूरी पार्टी का समर्थन है, खासकर कि बराक ओबामा की तरफ से। इसके अलावा कमला हैरिस का महिला होना भी काम आ रहा है, जो वहां पर फीमेल वोटर हैं वो भी अट्रैक्ट हो रही हैं कमला हैरिस की तरफ। और जो डोनाल्ड ट्रंप के रेसिस्ट बयानबाजी होती है उनकी पार्टी की तरफ से, उसे देखकर भी जो महिला वोटर हैं वह पीछे हटती हैं। कुछ यही कारण है जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में भी कड़ा मुकाबला है, कह नहीं सकते कि जीतेगा कौन। इसीलिए यह इलेक्शन भी जबरदस्त होने वाले हैं और इसकी पूरी कवरेज आपको यहीं देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।